हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सेलेंस क्लासेस। आई एम मोहित पंत। हम क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे और आज अभी तक का लगभग सेवन सीरीज हो चुकी है क्वेश्चन की। आज एट क्वेश्चन की सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं इसको। अच्छा, अभी तक हमने 173 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम शुरू करेंगे 174 से। तो जो पहला क्वेश्चन है 174 वाला क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टेंस का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड होता है, उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन बी है कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, सी है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और डी है बोथ डायमेंशन इन द कंपोजिशन। मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस में जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो सिर्फ कंपोजिशन पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो आपका मटेरियल कैसे कैसे एलिमेंट्स से अंदर तुम्हारा फॉर्म हुआ है, और दूसरी वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर। तो 174 का आंसर कितना हो गया, बी वाला। अब 175 क्वेश्चन है, थ्री पैरेलल रेजिस्टिव ब्रांचेस आर कनेक्टेड अक्रॉस डीसी सप्लाई। एक डीसी सप्लाई बना लेते हैं, यह है क्वेश्चन 175 वाला। 175 है, यहाँ पे तीन एलिमेंट आपने लगा रखे हैं, एक दो तीन। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द करंट, हमें करंट का रेशियो निकालना है, जबकि हमें रेजिस्टेंस का रेशियो गिवन है। तो रेजिस्टेंस हो गया R1, R2 और R3 का रेशियो गिवन है। ठीक है, अच्छा, सो देखते हैं। करंट जो होती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, बट देखो सब में वोल्टेज क्या है, सेम है। तो उसको लिखता हूं V अपॉन R1 V अपॉन R2, इसका V अपॉन R2 और कितना हो जाएगा V अपॉन R3। सबकी वी भी सेम है, तो वी भी कैंसिल हो गए, क्योंकि जब हम डिवाइड ये लेके आएंगे रेशो में तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा 1 अपॉन R1 रेशो 1 अपॉन R2 रेशो 1 अपॉन R3। तो I1 रेशो I2 रेशो I3 ये आया 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। तो रेशो कितना है 1 अपॉन R1 का, ये सब उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, हमें गिवन है R रेशो 2 रेशो R3 रेशो, कितना है 2 रेशो 4 रेशो 6। जब आप उनका उल्टा कर लोगे तो उसका भी उल्टा हो जाएगा। तो ये आएगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 रेशो 1 अपॉन 6। ठीक है, अब इसका ये एक तरह से इसका आंसर हो गया, लेकिन हमें जो आंसर गिवन है वो हमें न्यूमरेटर भी देगा, डिनोमेटर कोई आंसर नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक टर्म एलसीएम ले लेते हैं और उसको ऊपर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका सबका ऐसे ले लेते हैं, 12 6 4 12, मतलब 6 4 2, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो काम करते हैं, सारे फ्रैक्शन को ऊपर से डिनोमिनेटर वाले का पूरे तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, और जो एलसीएम कल का है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लिया, तो जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 6 करोगे हमें कितना हो जाएगा, 3, हमें कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना हो गया, 6 रेशो 3 रेशो 2। इसका आंसर कितना हो गया, 175 का आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, तो 175 का आंसर हो गया सी। अब है 176, इफ इन द फिगर गिवन बिलो रेजिस्टेंस R3 बिकम्स ओपन सर्किटेड द वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी। क्वेश्चन नंबर है आपका 176, तो देखते हैं इसमें क्या रेजिस्टेंस है हमारे, बहुत सारे, 1 2 3 और 4। वोल्टेज कितनी, 250 वोल्ट है, और यहां पे आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, इसने बोला है रेजिस्टेंस जो R3 है इसको हमने ओपन डाल दिया, ओपन कर दिया। जब आप इसको ओपन कर दोगे तो यहां कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट विल बी जीरो, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया है। अब करंट जीरो जाएगी तो ये सारी वोल्टेज है आपको कहां मिल जाएगी, R3 क्रॉस मिल जाएगी, जो कि ओपन था। मतलब आपको पूरी वोल्टेज में यहां पे पूरी वोल्टेज मिल जाएगी। देखो अगर करंट नहीं फ्लो करते तो कोई ड्रॉप नहीं हो रहा होगा वोल्टेज का, सारी वोल्टेज आपको यहां मिल जाएगी, और वोल्टेज जब यहां मिलेगी तो इसका जो रीडिंग आ जाएगी वो जाएगी 250 वोल्ट। तो इस केस में इसका आंसर कितना हो गया, 176 का आंसर हो गया 250 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। फिर है 177 क्वेश्चन, देखते हैं 177 क्वेश्चन क्या बोला है, थ्री रेजिस्टेंस ईच ऑफ आर
आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल, आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल. अच्छा आगे, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल विल बी. आपके पास एक ट्राइंगल है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 177, क्वेश्चन है 177. ट्राइंगल में रजिस्टर है सारे और सबकी वैल्यू कितनी है भाई, थ्री रजिस्टर आर इन आर करेक्ट इन फॉर्म है, आर ही हो गया आर आर आर. और हमें किसी भी दो कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स. तो टर्मिनल ये उठा लेते हैं, टर्मिनल उठा लेते हैं, इनके बीच का रेजिस्टेंस निकाल. देखो रेजिस्टेंस निकालेंगे, जब आप इसके बीच का रेजिस्टेंस निकालोगे आर इक्विवेलेंट, तो आप ऐसे खींचो पीछे को, ऐसे हम खींचेंगे, ऐसे खींचते हैं इसको. तो देखो ये दोनों क्या आ रहे हैं आपस में, सही ये सीरीज में आ रहे हैं, इनको जोड़ लेते कितना हो जाएगा, आर प्लस आर टू आर हो जाएगा. और टू आर और आर क्या आपस में क्या जाएंगे, पैरेलल में. तो टू आर इंटू आर अपॉन टू आर प्लस आर, इसका आंसर टू आर बाई थ्री. तो टू आर बाई थ्री इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला. तो 177 का 177 का आंसर हो गया डी वाला, ठीक है. नेक्स्ट है 178, क्या बोल रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइजेस, ठीक है. जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. दिस इज बिकॉज, ऑप्शन है म्यूचुअल कोलिजन बिटवीन मेटल एंड एटम्स, म्यूचुअल कोलिजन बिटवीन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, सी कोलिजन बिटवीन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंड एटम, रिलीज ऑफ कंडक्शन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पैरेलल एटम, ठीक है. देखो होता क्या है, आपका जो कंडक्टर होता है उसके अंदर एटम्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. एटम्स मूव नहीं कर सकते, वो स्टैटिक होते हैं. जैसे मान लो आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर एटम्स हो गए, एटम बड़े होते हैं साइज, ये साइज में ये एटम्स हो गए, बहुत सारे एटम्स हो गए, एटम्स मूव नहीं कर सकते कंडक्टर के अंदर. दूसरे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आसानी से मूव कर सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं. जब आप वोल्टेज लगाते हो तो ये मूव करना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, तेज मूव करते हैं, और मूव करने के बाद ये क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं एटम से. तो जब ये स्ट्राइक करते हैं इनके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है. उस कोलिजन की वजह से क्या होती है, हीट जनरेट होती है. तो इलेक्ट्रॉन जो है एटम से टकराता है और उनके बीच में क्या होती है, हीट जनरेट होती है, उसमें बोलते हैं उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है. तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना हो गया, 78 वाला का, 178 का आंसर हो गया सी कोलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स. तो 178 का आंसर हो गया सी वाला. अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, असर्टेन 179 क्वेश्चन है. असर्टेन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियल लीनियर रेजिस्टेंस, ठीक है, वन ऑफ विच इज डेजिग्नेटेड आर एंड टू आर आइडियल सोर्सेस, ठीक हो गया. द पावर कंज्यूम बाय आर इज पी वन व्हेन ओनली फर्स्ट सोर्स इज एक्टिव एंड पावर कंज्यूम बाय पी टू व्हेन ओनली सेकेंड सोर्स इज एक्टिव. If both sources are active, the power consumed by the resistance will be. ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं. इसने बोला आपके पास एक रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन नंबर ये है 179, हाँ. तो आपके पास क्या है, एक रजिस्टर है जिसमें दो सोर्सेस लगे हुए, आइडियल सोर्सेस, ठीक, एक V1 है मान लेते हैं, रेजिस्टेंस तो आ रही है, एक सोर्स V1 हो गया और एक सोर्स क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, कुछ भी होगा इसका अपना अपना सोर्स होगा, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से भी कुछ होगा, ठीक है, कुछ होगा. ये जब अब ये आपका एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो गया और एक दूसरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो गया और दोनों को आपने जोड़ रखा है आर से. अब ये बोल रहा है जब V1 कनेक्टेड होगा, जब सिर्फ V1 लग रहा है, V2 नहीं लग रहा, V2 हटा दिया आपने, उस केस में जो R पावर ले रहा है वो ले रहा है P1, ठीक है. और ये बोल रहा है जब आपने V2 कनेक्ट किया है, सिर्फ V2,
तो ये जो पावर ले रहा है, ये ले रहा है पी। अब हमें बता रहे हैं जब ये दोनों लगेंगे एक साथ तो ये मिलके कितनी पावर लेगा, ठीक है। अच्छा पहले कर, जब सी वी1 लगाया उसके समय अलग करंट आई1 है, ठीक है, मान लेते हैं, लेट सपोज करंट आई1 है तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी आई स्क्वायर इंटू आर, आई वन का स्क्वायर इंटू, ठीक है। नेक्स्ट केस में जब V2 लगा तो मान लेते करंट I2 है तो पावर कितनी जाएगी P2 इज इक्वल टू I2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब जब दोनों सोर्स एक साथ लग रहे हैं, यहां पे सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट आया कि अगर यहां से करंट I1 है या करंट I2 है तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है करंट आई गया अभी बीच ब्रांच में, इसके वजह से I1 आ रही है, इसके वजह से I2 आ रही है, तो यहां जो करंट आएगी नेट करंट हो जाएगी I1 प्लस I2 हो जाएगी। जो यहां नेट करंट आ रही होगी बाय सुपर पोजिशन वो इन दोनों का इंडिविजुअल का समय, तो यहां करंट कितनी होगी I1 प्लस I2। तो अब जो ये पावर ले रहा होगा दोनों केस में वो पावर हो जाएगी I1 प्लस I2 का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। इसको खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आर, आर को अंदर ले आते हैं, आई वन का स्क्वायर आर, आई टू का स्क्वायर इंटू आर प्लस टू आई वन आई टू इंटू आर हो गया, ठीक है। अच्छा इस टर्म को जो ये टर्म है ना, ये टर्म इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं टू अंडर रूट आई वन का स्क्वायर इंटू आर, आर को मैं दो पार्ट में कर लेता हूं रूट आर और रूट आर, एक रूट आर जा जाएगा आई वन के संग, एक रूट आर जाएगा आई टू के संग इंटू आई टू का स्क्वायर इंटू आर। आप खोलोगे देखो इसका रूट खोलोगे तो आई वन, इसका रूट खोलोगे आई टू, रूट आर इंटू रूट आर दोबारा भी बन जाएगा, ठीक है। और लिखते हैं कि वैल्यूज, ये कितना हो जाएगा पी वन, ये पी टू, टू यू या पी वन अंडर रूट पी वन हो जाएगा और अंडर रूट पी टू। तो आप इसको अगर आप इसको लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू फॉर्मूला तो ये बन जाएगा अंडर रूट पी वन प्लस अंडर रूट पी टू का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला इस तरह बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया अंडर रूट पी वन प्लस पी टू का होल स्क्वायर। एक्चुअली इसका आंसर होगा प्लस माइनस वन होगा इसका आंसर, क्योंकि हो सकता है ये करंट आपस में इसकी पोलैरिटी उल्टी हो, तो यहां जो करंट है सेपरेट भी हो सकती है, और जब सेपरेट होगी तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा, उसके में हर यहां पे सारे माइनस भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों लिख दिया। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा नंबर, इसका आंसर होगा 179 का आंसर हो गया सी वाला, तो 179 का आंसर हो गया सी वाला, सॉल्व कर लिया हमने। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़ते हैं उसको, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट, इनमें से कौन सा जो है वो एक्टिव एलिमेंट है। ये बहुत क्वेश्चन मैंने आपको देखा होगा, ये क्वेश्चन जितनी बार हमने लेक्चर सीरीज करी है ये हर एक दूसरी, मतलब हर पांच, मतलब अगर हमने सात लेक्चर सीरीज करी है तो पांच लेक्चर सीरीज में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ जाए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एक एक्टिव एलिमेंट है, करंट सोर्स रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर, आंसर क्या हो गया करंट सोर्स हो गया, तो 180 का आंसर कितना हो गया ए हो गया। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। अब है 81 वाला, एंड अ 3 वोल्ट डीसी सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम सप्लाई पैसिव नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कैरेक्टराइज बाय वीएल वी इक्वल टू आई का स्क्वायर, ठीक है। द पावर डिसिपेटेड बाय डिसिपेटेड इन द नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेस 1 वॉट 1.5 वॉट 2.5 वॉट 3 वॉट, ठीक है। एक 3 वोल्ट का डीसी सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, आपने इसको एक ऐसे रजिस्टर से जोड़ दिया है जो कि नॉन लीनियर है, और नॉन लीनियर के साथ साथ क्या है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो VNL है, और उसका जो करंट से रिलेशन है वो INL स्क्वायर है, INL का स्क्वायर।
जो भी करंट करना जाएगी उसका आयरल का स्क्वायर है। तो बताना है कि ये कितनी पावर डिसिपेट कर रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, सॉल्व करते हैं। रेजिस्टेंस नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है, वोल्टेज का रिलेशन करंट से एस स्क्वायर है, करंट आई एन एल है, तो करंट यहाँ आई एन एल यहाँ से भी आ रही होगी। ठीक है, तो एक लूप चला देते हैं इसके अंदर, करंट ऐसे आ रही होगी प्लस माइनस नीचे होगा, लूप चला लेते हैं, कितना होगा 3 माइनस 2 इंटू आई एन एल माइनस वोल्टेज कितनी यहाँ पे वी एन एल, वी एन एल इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें करंट चाहिए। देखो वी एन एल इक्वल टू कितना है, आई एन एल स्क्वायर, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, तो 3 माइनस 2 आई एन एल माइनस आई एन एल का स्क्वायर, इसको वहाँ ले आते हैं, तो आई एन एल का स्क्वायर प्लस 2 आई एन एल माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जा रही है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना होगा माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस नहीं मिल पाएगा हमारा, इसको क्या करते हैं थ्री, इसमें श्री ध्रचा लगा देते हैं, आई एन एल कितना होगा माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर 4 माइनस 4 ए सी, 4 ए तो 1 है, सी कितना है माइनस 3 अपॉन 2 इंटू ए 1 है तो 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस माइनस कितना होगा ये 12, 12 प्लस 4 16 खोल लोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 अपॉन 2, तो माइनस प्लस दोनों कर सकते हैं, माइनस करेंगे तो माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस 2, 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा, और माइनस रखोगे तो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 3 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो करंट यहाँ पर माइनस नहीं होगी बिकॉज करंट इसे डायरेक्ट में फ्लो कर रही है, तो 3 को हम कंसिडर माइनस 3 कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर किसको करेंगे 1 को। ठीक है, तो उसको बना लेते हैं, यहाँ हम यहाँ पे आई एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, लूप लूप लगाया, वोल्टेज देखी, वोल्टेज इंटू यहाँ वोल्टेज इंटू ये वोल्टेज, ये वोल्टेज करंट के टर्म में गिवन है, तो मैं करंट के टर्म में लिख के उसको सॉल्व कर आने लग गया। अब हमें निकालनी है कितनी पावर कंज्यूम करेगा, पावर का फॉर्मूला कितना होता है, पावर फॉर्मूला वी इंटू आई या वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर आई स्क्वायर इंटू आर, बट फर्क इन तीनों से कोई भी फॉर्म में हम लगा सकते हैं, पर फर्क ये पड़ता है आपको क्या गिवन है, हमें आर नहीं गिवन, लेकिन हमें क्या गिवन है, वी इंटू आई गिवन है, वी आई तो निकाल लिया, वी कितना है आई का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, तो वी वी 1 है, आई बी 1 है, कितना आंसर आ गया इसका 1 वॉट, तो 181 का आंसर कितना हो गया 1 वॉट हो गया। ठीक है, अब 182, इफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस इज बी और नंबर ऑफ नोड इज एन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप इज एल, देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड्स इक्वेशन कितनी होती है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो नोड इक्वेशन होती है, मतलब उसको हम केसीएल इक्वेशन भी बोलते हैं, केसीएल इक्वेशन और बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ नोड इक्वेशन, इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशन इक्वल टू होती है आपका एन माइनस वन होती है, कितनी होती है एन माइनस वन, इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया डी वाला। नेक्स्ट, फॉर अ वोल्टेज सोर्स टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू सोर्स ईएमएफ, नहीं, टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ, बी वाला टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन द सोर्स ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज इज हायर देन द सोर्स, ये गलत है। ठीक है, जो टर्मिनल वोल्टेज होती है उसका फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर एन। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज या तो ई से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, और हो सकता है उससे बराबर भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये ओपन सोर्स ओपन सर्किट हो जाता है तो करंट जीरो हो जाएगी, तो उस केस में वी इक्वल टू ई हो जाता है, तो बराबर भी हो सकती है और यह आपकी ये छोटी रहेगी, कभी इसको एक्सीड नहीं कर सकती, तो इसके लिए इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर सही बैठता है वो बैठता है बी वाला, टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज सोर्स में आपको एक्सीड नहीं कर सकती, या उसके बराबर हो सकती है या उससे छोटी रहेगी, तो 183 का आंसर हो गया बी वाला। अब नेक्स्ट 184, अ डिपेंडेंट सोर्स, ऑप्शन ए मे बी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, ऑप्शन बी इज ऑलवेज अ वोल्टेज सोर्स, सी इज ऑलवेज अ करंट सोर्स, डी इज नाइदर अ करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स जो होता है वो हमारा वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, तो 184 का आंसर हो गया ए वाला, तो 184 का आंसर हो गया ए वाला। नेक्स्ट, किरचॉफ लॉ
आर नॉट एप्लीकेबल टू द सर्किट विद किचोलो कहाँ अप्लाई नहीं होते हैं, किस सर्किट अप्लाई नहीं होते हैं, पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, बी है लम्ब्ड पैरामीटर्स, सी है पैसिव पैरामीटर, डी है नॉनलीनियर पैरामीटर्स। किचोफ लॉ जो है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स में अप्लाई नहीं होते। जैसे आपको ट्रांसमिशन लाइन होती है हमारी, जो हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन होती है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट पैरामीटर क्या होता है कि रेजिस्टेंस इंडक्टर जो भी वैल्यूज हैं वो एक जगह जमा नहीं है, वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मतलब जो आपका ट्रांसमिशन लाइन होती है, स्पेशली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है, वो आपके डिस्ट्रीब्यूट पैरामीटर्स होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट पैरामीटर में क्या होता है, आपके जो रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर है वो एक जगह स्थित नहीं है, वो डिवाइडेड है पूरी लाइन में। तो आप एक जगह नहीं बोल सकते कि यहाँ पे आर आई एल है, और हम आर आई एल सी को अलग अलग भी दिखा नहीं सकते। तो इतनी प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पे किरचॉफ लॉ हमारे लग डायरेक्टली नहीं पाते। इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, किरचॉफ लॉ का आंसर हो गया, इस वाले का आंसर 185 का आंसर हो गया, ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 186 क्वेश्चन। 186 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 120 ओम रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितनी बहेगी। इसका डायग्राम मैं बना लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, करंट थ्रू 120 ओम रजिस्टर सर्किट विल बी, डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये बैटरी सोर्स है, बैटरी सोर्स की वैल्यू नहीं गिवन है, 25/7 करंट सोर्स हो गया, ऊपर को एरो, इसका कहाँ को है, नीचे को एरो, 4/7 और इसका है 120 ओम, ठीक है। तो यहां से 25/7 आई, 25/7 में से 4/7 यहां चली गई, तो बची कितनी, ये माइनस ये, 25/7 माइनस 4/7 माइनस का 25 माइनस 4, 21, 21/7 कितना हो गया, 3 एम्पीयर। सो आंसर कितना आ गया, 3 एम्पीयर। तो 186 का आंसर कितना हो गया, सी वाला, 3 एम्पीयर। नेक्स्ट 187 है, VI characteristics of an element is shown in the figure below. हमें VI characteristics given है, the element is, आप characteristics ऐसे given देखो, I ऐसा है और V ऐसा है, ठीक है। तो बताना है एक्टिव होगा, नॉन एरिया जो भी होगा, ठीक है। तो पहला देखो, यहाँ अगर आप निकालोगे इसका रेजिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, मैंने बता रखे लेक्चर्स में कैसे निकालता है, वही बता रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ रेजिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, यहाँ निकालोगे रेजिस्टेंस जो आएगा, वी वी आपका प्लस है, बट करंट क्या है, माइनस है, तो वी माइनस करंट, ये वी पॉजिटिव, करंट माइनस, कितना, ये आर माइनस आ गया, आर माइनस मतलब एक्टिव एलिमेंट। तो जो ग्राफ है एक्टिव एलिमेंट का, तो ये एक्टिव एलिमेंट होगा। नेक्स्ट लीनियर है नॉन लीनियर है, देखो ये लीनियर नहीं है, क्योंकि लीनियर में क्या होता है, स्लोप चेंज नहीं होता, लीनियर होता है y = mx, स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ इसका स्लोप माइनस है, यहाँ इसका स्लोप क्या है, प्लस है, स्लोप चेंज होने की वजह से ये नॉन लीनियर बन गया हमारा, ठीक है। और बाइलेटरल में क्या होता है, जब आप वोल्टेज की पोलैरिटी, जैसे आपने वोल्टेज दी यहाँ पे, प्लस वोल्टेज दी तो करंट फ्लो हो रही है, जैसे आप माइनस वोल्टेज दोगे तो करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। जैसे आपने वोल्टेज दी, वोल्टेज अप्लाई करी तो कुछ करंट फ्लो करेगी, अगर आप वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर रहे हो तो वैसे ही करंट फ्लो होनी चाहिए, बस खाली डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा, जब वोल्टेज माइनस हो रही है करंट ही नहीं होगी भी। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये आपका यूनिलेटरल है, और आप बोल सकते हो नॉन बायलेटरल है। तो इसका आंसर क्या हो गया, नॉन लीनियर एक्टिव और नॉन बायलेटरल। तो 187 का आंसर हो गया ए वाला। तो 187 का जो आंसर है ए है, कहीं कहीं बुक में इसका आंसर देखा है बी, बट इसका जो सही आंसर है वो है ए। 188 है, अकॉर्डिंग टू द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल आर सब्जेक्टेड टू, इलेक्ट्रॉन फ्री थ्योरी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री थ्योरी अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या लगता है, कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, साइनसोइडल पोटेंशियल, स्क्वायर पोटेंशियल, नॉन पीरियडिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन फ्री थ्योरी ये बोलती है कि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें हमेशा एक कॉन्स्टेंट पोटेंशियल लगता है हमेशा, और वो चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया ए वाला। तो 188 का आंसर जो हो गया वो हो गया ए वाला, कांस्टेंट पोटेंशियल। नेक्स्ट 189 करंट वाला है कि करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग, करंट को हम अल्टरनेटिंग बोलते हैं, जबकि क्या होता है उसका चेंज क्या होता है, व्हेन इट्स चेंजेस इन मैग्नीट्यूड ओनली, बी है डायरेक्शन ओनली, सी है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और डी है नोनो। इसका आंसर हो गया
सी वाला, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है उसको हम ऑल्टरनेटिंग बोलते हैं। तो 189 का आंसर हो गया सी वाला। नेक्स्ट है 190 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन्स टू रजिस्टर ओनली। रजिस्टर कौन सा स्टेटमेंट सिर्फ रजिस्टर के लिए है। पहला है दे अपोज सडन चेंज इन वोल्टेज, नहीं। दे एक्ट एज एनर्जी स्टोर, नहीं, वो तो एनर्जी खाते हैं। दे डिसिपेट डिजायरेबल अमाउंट ऑफ पावर, ये ठीक है, वो एनर्जी को खर्च करते हैं। और डी नंबर दो, तो उसका आंसर कितना होगा सी हो गया। रजिस्टर्स का काम क्या होता है, पावर को खर्च करना, वो एनर्जी पावर को, और आप सकते हैं एनर्जी पावर को खर्च करते हैं, डिसिपेट कर देते हैं। तो 190 का आंसर कितना हो गया सी वाला। इन गैसेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। सी है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस, और डी है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस। तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर है सी इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव आयन। मैंने जब बेसिक इलेक्ट्रिकल बताई थी तो वहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, अगर आप नहीं पढ़े तो वहाँ पढ़ सकते हैं, जो वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने वहाँ बता भी रखा है कि करंट किस किस मीडियम में कैसे कैसे फ्लो होती है। गैस मीडियम में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन की वजह से फ्लो होती है। इसके बाद है 192 वाला, क्या बोलता है कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर वैक्यूम ट्यूब्स इलेक्ट्रोलाइट। डी नॉन दंत, इसका आंसर नॉन ऑफ द अबव। जो ओम्स लॉ होता है वो लीनियर रजिस्टर्स के अक्रॉस अप्लाई होता है, एक ऐसे एलिमेंट पर अप्लाई होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या है कांस्टेंट होता है, और वो बेसिकली क्या होते हैं आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना, इसका आंसर हो गया नॉन ऑफ द अबव। 192 आंसर हो गया डी वाला। फिर 193, प्योर मेटल जनरली हैव हाई कंडक्टिविटी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, हाई कंडक्टिविटी लार्ज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लो कंडक्टिविटी जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लो कंडक्टिविटी हाई टेम्परेचर। प्योर मेटल्स हैं तो कंडक्टिविटी वेरी हाई होगी, और जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी होता है उनका बहुत ज्यादा होता है, मतलब छोटे से टेम्परेचर चेंज में रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा क्या आता है, चेंज आता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 193 का आंसर हो गया बी वाला, हाई कंडक्टिविटी एंड लार्ज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 क्वेश्चन, ऑल द रेजिस्टर्स इन द फिगर शोन बिलो आर 1 ओम, सारे रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम है, तो बताओ करंट आई कितनी होगी, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं इसका। 194 क्वेश्चन है, 194 ये है, दो रेजिस्टर्स हैं ऐसे, फिर दो रेजिस्टेंस और है, फिर उसके बाद दो रेजिस्टेंस और है, ठीक है, ये सब आपस में जुड़ गए हैं यहाँ पे, समझा रहा हूँ आपको मैं। वोल्टेज कितनी है 1 वोल्ट की, बताने करंट कितनी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ऐसा होगा सारे 1 1 में, पहले इनको पैरेलल मैच कर लेते हैं। 1 और 1 कितना हो गया 1/2, मतलब 0.5 हो गया, 0.5, ये भी 0.5, ये 1 है, ये पैरेलल में जो थे ये भी कितना 1 हो गए, सॉरी 1/1 पैरेलल में 0.5 हो गए, 1 1 पैरेलल में कितना 1/2, 0.5 लिख रहा हूँ उसको, 0.5 हो गया, और ये 1 पैरेलल में कितना 0.5 हो गया, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 थे, और 1 और 0.5 पैरेलल में कितना 1.5 पैरेलल में कितना बन जाएंगे बताओ दोबारा, 1.5 डिवाइड बाय 2, तो 1.5 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 0.75, तो 0.75 बन गया पूरा मिला के पैरेलल में, और ये कितना बन गया 1.75, ठीक है। फिर 1 से ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको 1 के संग ऐड कर लो, तो ये और 1 मिला के कितना हो जाएगा, ये मिला के हो जाएगा 1.75, और ये 1 और ये 0.75 मिला के कितना होगा 1.75। तो थोड़ा सिंपलीफाई कर लेता हूँ उसको, ये 1 था, ये 1 और ये 0.75 मिला के 1.75, ठीक है, और ये 1 और ये 0.75 मिला के 1.75 और 1.5 पहले में डिवाइड तो कितना जाएगा डिवाइड बाय 1.75 आ जाएगा, 1.75 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा,
ठीक है, ये 1 वोल्ट है, हमें करंट निकालनी आई, तो जोड़ो इतना बन गया 1.75 डिवाइड बाय 2, लिख लेता हूँ 1.75 डिवाइड बाय 2, फिर इसको ऐड कर लो, बन कितना 1.75 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस ये 3.75 डिवाइड बाय 2 हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 3.75 डिवाइड बाय 2 हो गया। अब करंट निकालनी है, करंट कितनी जाएगी, करंट हो जाएगी I इज इक्वल टू V अपॉन R, V कितना है 1 और रेजिस्टेंस कितना है 3.75 डिवाइड बाय R, R ऊपर 2 हो गया, इंटू 2 आ गया, तो ये आ गया 2 अपॉन 3.75, ठीक है। अगर मैं फ्रैक्शन में ये गिवन है आपका, तो कर लेते हैं इसको, ये जाएगा आपका 375। तो कुछ कटता है देखते हैं इसको, ट्वेंटी फाइव से कट जाएगा, 25 8 जा और 25 15 जा हो जाएगा, तो 18/15 एम्पीयर इसका आंसर आ गया। तो 194 का आंसर कितना हो, 94 का आंसर हो गया डी वाला 18/15, ठीक हो गया। नेक्स्ट 190 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका आंसर कितना है, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फर्नेस, ये करता है, गीजर ये भी करता है, इलेक्ट्रिक ये भी करती है, डी वैक्यूम नहीं करता है, कितना उसका 190 का आंसर डी वाला हो गया। अब है 196 क्वेश्चन, हमें निकालना है आर की वैल्यू क्या होगी, बहुत सारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं हमने पहले करा हुआ क्वेश्चन है, 197 क्वेश्चन है, सॉरी 196, ये 10 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, यहाँ पे R है और यहाँ पे 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में, और करंट कितनी है 8, इस R की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये 10 पैरेलल में कितना बन जाएगा, जुड़ के 5 बन जाएंगे, और 5 रेजिस्टेंस, टोटल करंट कितनी है I, I इक्वल टू V अपॉन R होता है, I इतनी है, V कितना है 100, टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास R प्लस 5, तो उसको ले आओ R प्लस 5 इज इक्वल टू 100/8, R इक्वल हो गया 100/8 - 5, 40/8, तो 30/4 15/2, लगभग 7.5 इसका आंसर हो गया, 7.5 ओम, तो 196 का आंसर कितना हो गया सी वाला। 400 वॉट बल्ब्स आर कंटेन्ड इन पैरेलल 200 सप्लाई, इफ वन बल्ब इज फ्यूज्ड तब क्या होगा, ऑप्शन ए नो बल्ब विल लाइट, ऑल 4 बल्ब विल लाइट, रेस्ट 3 बल्ब विल लाइट, डी बर्नर, आपके पास कितने बल्ब हैं, आपके पास 4 बल्ब हैं 100 वाट के, 4 बल्ब लगा देते हैं, 2 3 4, सप्लाई 200 वोल्ट की है, तो बोला एक बल्ब फ्यूज हो गया, कभी बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या होता है, बाकी बल्ब पैरेलल में, पैरेलल का एडवांटेज क्या है, एक बल्ब का एक भी एक इक्विपमेंट का दूसरे इक्विपमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चले ना चले क्योंकि सबको वोल्टेज क्या मिली, एक समान मिल रही है, इसलिए अगर ये बल्ब फ्यूज भी हो गया बाकी 3 जलते रहेंगे। हमारे घर में जो कनेक्शन होता है पहले कनेक्शन होता है, अगर आप एक बल्ब को बंद कर दो खोल दो तो बाकी और बल्बों में या पंखे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर हो गया सी वाला। फिर 198 वाला क्वेश्चन है, 100 वॉट के बल्ब है, एवरेज एक हफ्ता में 10 घंटे चलते हैं, तो बताओ उसका वीकली कंजप्शन यूनिट कितना होगा, ठीक है। अब इसको बताते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कितना है, एक दिन में कितना चल रहा है आपका, चल रहा है एक दिन में चल रहा है हमारा 100। अच्छा एनर्जी, एनर्जी का कॉन्सेप्ट एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम होती है, यहाँ पावर हमें वॉट में गिवन है, टाइम गिवन है हमें घंटे में, तो पहले निकालते हैं एक दिन में पावर कितनी ले रहा है वॉट 10 और कितने घंटे चल रहा है 10, तो एक दिन में हो गया 1000 वॉट आर, ठीक है एक दिन का हो गया है। अब हमें निकालना है एक वीक का, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में एनर्जी कितनी जाएगी, इंटू 7 कर लोगे 7000 वॉट आर, बट जो एक यूनिट होती है वो होती है 1 किलो वॉट आर, तो किलो यहां लगा देते हैं और इसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, कैंसिल हो कितना आ गया 7 किलो वॉट आर, और 1 किलो वाटर मतलब यूनिट हो गया, तो कितना गया इसका आंसर 7 यूनिट्स हो गया, ठीक है इसका आंसर कितना हो गया 198 का आंसर हो गया सी वाला।
ठीक है। नेक्स्ट 199 क्वेश्चन है, विथ एलिमेंट विच आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी, कौन सा एलिमेंट जो एनर्जी डिलीवर नहीं करते, पहला यूनिलेट, उनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी विच आर एलिमेंट विच आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाय इट्स ओन आर नोन एज, क्या बोलते हैं उनको हम, पैसिव एलिमेंट बोलते हैं, जो एनर्जी दे सकते हैं एक्टिव एलिमेंट, जो नहीं दे सकते हैं पैसिव एलिमेंट। तो इसका आंसर कितना है, 199 का आंसर हो गया सी, पैसिव एलिमेंट। फिर 200 वाला क्वेश्चन है, अ नेटवर्क हैज 4 नोड्स 3 इंडिपेंडेंट लूप, व्हाट विल द ब्रांचेस इन द नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट लूप का, इंडिपेंडेंट लूप जो होते हैं वो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट जो लूप होते हैं एक्चुअली उसको हम केवीएल ही बोलते हैं, केवीएल इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट लूप, इसका फॉर्मूला होता है बी माइनस एन प्लस वन, ठीक है। हमको पूछा है कि ब्रांचेस कितनी है बताओ, तो इंडिपेंडेंट लूप आपको गिवन है, कितने गिवन है, तीन, ये तीन हो गया, ब्रांच निकालनी है, नोड गिवन है, नोड कितने गिवन है, चार नोड गिवन है और प्लस वन, तो माइनस चार प्लस वन माइनस थ्री हमारा आउट कितना, थ्री, मतलब थ्री यहां आके इस थ्री में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर, सिक्स हो गया। तो ब्रांचेस कितनी हो गई, सिक्स हो गई, तो 200 का आंसर कितना हो गया, बी। लास्ट क्वेश्चन है 201, कनेक्टेड नेटवर्क हैज नंबर ऑफ नोड्स एट मोस्ट वन ब्रांचेस डायरेक्टली कनेक्टेड टू एनी पेयर ऑफ नेट, ग्राफ ऑफ द नेटवर्क इज हैव मस्ट एटलीस्ट 9 ब्रांचेस ऑफ वन और मोर क्लोज पाथ, कैन नॉट हैव अनलिमिटेड ब्रांचेस वगैरह वगैरह। एक्चुअली इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी वाला, कैन नॉट हैव मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस नॉट डिसाइडेड बाय एन, हमारी जो ब्रांचेस होती हैं वो नोड पर डिपेंड नहीं होती है, ठीक है ना, ब्रांचेस जो है कहीं ना कहीं उसका नोड्स को लिंक्ड नहीं होता है। तो ये आंसर, सारे ऑप्शन जो पहले के तीन ऑप्शन गलत हैं, इसका लास्ट ऑप्शन सही है कि ब्रांचेस जो हैं दे डोंट डिपेंड अपॉन नोड्स, ठीक है। ओके देन, आज हमने लगभग 25-26 क्वेश्चन ये हमारे कंप्लीट हो गए, ये 8th हमारी इसकी होती है, 8th सीरीज की क्वेश्चन की। आज के क्वेश्चन के जो जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, ग्राम हमारा जो ग्रुप का लिंक है वहाँ, अगर आप लिंक कर उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ उसको आपको ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उसमें उसका पीडीएफ, उसका जो आज के हमारे जो क्वेश्चन है उसके पीडीएफ फॉर्म हमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपके अगर कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चन हैं उसको आप वहाँ पे उसको ये पुट कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ओके देन, आज के लिए इतना ही, आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।